तो हमारी भारतीय परंपरा के अनुसार अगर आपने कोई महंगा वाहन लिया और इसका रिश्तेदारों में दिखावा नहीं किया तो क्या किया? पर उससे पहले मैंने इसे कंप्रेसर लगा के इतना धोया जिसे पूनम के चांद की तरह चमचमाने लगी। फिर हम बाप बेटे तैयार होकर बाहर निकले ही थे कि मेरे अरमान मालिक पर तब पानी फिर गया जब पापा बोले आज गाड़ी तेरे डैडी चलाएंगे। तो फिलहाल मैं जा रहा हूँ अपने पापा की ससुराल, पर निकलने से पहले हमने पापा के सो कॉल्ड हाथी का पेट पेट्रोल से फुल कराया और फिर एक घर से दूसरे घर पर स्किप होने वाली सोनपापड़ी लेकर पापा की साइड पर आ गए। वैसे मेरे पापा एक कॉन्ट्रैक्टर है जो घरों के इंटीरियर डिजाइन करने का ठेकेदार कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं। फिर पापा और इन अंकल की राजनीतिक मुद्दों पर चर्चा खत्म होते ही हवा के साथ साथ घटा के संग संग हम पहुंचते हैं हमारे पहले रिश्तेदार के यहाँ, जहाँ बच्चों को पकड़ पकड़ के पापा उनकी कैरियर काउंसलिंग करते हैं कि भले ही नंबर कम आए पर आईएएस तो तुम्हें बनना ही है। और इनकी बात सुनकर ये गोरगप्पा तो अलग ही डिप्रेशन में आ गया। फिर स्वागत सत्कार करा के गाड़ी दिखाई परंपरा शुरू की जाती है। फिर यही प्रक्रिया हर रिश्तेदार के दौराते दौराते मैं आ गया अपने पापा की ससुराल, जहाँ मेरे नाना जी बाइक देखकर बहुत खुश हुए। फिर वही मुझे मेरे को सब्सक्राइबर्स मिले जिसमें इसने मुझे काफी सरप्राइज किया। कौन सी क्लास में? सेवन। फिर वापस विदिशा आते ही हमारा जोर शोर से फूल वर्षा का स्वागत।